हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे Realme 11 Pro Plus के बारे में। फाइनली ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस लीक होकर बाहर आ चुकी है और इस बार ये फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर काफ़ी कुछ हमें अपग्रेड देखने को मिलने वाला है, जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और स्पेसिफिकेशन जानने के बाद आप लोग ये फ़ोन को लेकर रियली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस बार हमें Realme 11 Pro Plus के साथ क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये फ़ोन का लुक एंड डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ, जो कि ये भी लीक होकर बाहर आ चुका है। इस बार ये फ़ोन काफ़ी डिफरेंट लुक एंड डिज़ाइन के साथ आने वाला है। इस बार ये फ़ोन के बैक में सर्कल कैमरा मॉड्यूल हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा एंड बैक में ग्लोसी ग्लास बिल्ड का सपोर्ट दिया जाएगा, जहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन का सपोर्ट रहने वाला है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग ये सेम लुक एंड डिज़ाइन किस ब्रांड के स्मार्टफोन के ऊपर देखे हो। अब आते हैं हम लोग ये फ़ोन के अंदर की स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो इस बार भी ये फ़ोन 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ एक कर्व बोल्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज की हाईर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। यानी कि इस बार भी डिस्प्ले के साथ काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है और ये डिस्प्ले डॉल्बी विजन HDR 10 प्लस 10 बिट कलर सैचुरेशन एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आने वाला है। तो डिस्प्ले काफ़ी कमाल का रहने वाला है। कैमरास की तरफ बढ़ते हैं तो मेजर अपग्रेड हमें कैमरास के अंदर ही देखने को मिलेगा। इस बार 200 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर के साथ आने वाला है, जहां पे OIS का भी सपोर्ट दिया जाएगा। अब ये बिल्कुल भी अब तक का लेटेस्ट सेंसर होगा, जिसके साथ आप लोग अच्छे खासे फोटो एंड वीडियोग्राफी कर पाओगे। बाकी 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। और इस बार सेल्फी को भी अपग्रेड किया जाएगा, 32 मेगापिक्सल की सेंटर पंचोल कोडॉट के साथ सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरास डिसेंट होंगे। और परफॉर्मेंस को लेकर ये फ़ोन इस बार भी डायमेंसिटी 1080 वाले ही 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसके साथ रियलमी 10 प्रो प्लस आया था तो वहाँ भी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा मिल रहा था। तो इस बार भी ये फ़ोन की परफॉर्मेंस बेटर रहने वाली है, क्योंकि रियलमी का एक रीति रिवाज बहुत पहले से चलता आ रहा है कि वो अपने 2 से 3 सीरीज में सेम प्रोसेसर को ही यूज करते हैं। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं तो ये फ़ोन 4500 mAh की बैटरी के साथ आएगा, जहाँ पे 100 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, यानी कि इस पर भी इस बार अपग्रेड किया जाएगा, जो कि 25 मिनट के आसपास आपकी बैटरी को फुल चार्ज करने वाला है। अदर छोटे मोटे फीचर्स को लेकर यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, ये सब कुछ रहने वाला है। सिर्फ 3.5 mm जैक यहाँ पे हमें हो सकता है कि नहीं देखने को मिले, क्योंकि प्रो प्लस में 3.5 mm जैक को काफ़ी पहले से ही रिमूव कर दिया गया है। बाकी विद बॉक्स ये फ़ोन एंड्रॉयड 13 एंड रियलमी UI के लेटेस्ट UI के साथ आएगा। तो ये कुछ ओवरऑल स्पेक्स रियलमी 11 प्रो प्लस पे देखने को मिलेंगे और ये चीज़ लीक होकर बाहर आई है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये फ़ोन कब तक और किस प्राइस पॉइंट तक इंडिया पे आ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फ़ोन की प्राइसिंग इस बार 27,000 टू 28,000 के आसपास तक देखने को मिल सकता है और ये फ़ोन जून या जुलाई के महीने के आसपास तक हमें इंडिया पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में रियलमी 10 सीरीज को लॉन्च किया गया और इतने कम समय में रियलमी अपनी अगली सीरीज को नहीं लॉन्च करेगी। तो जून या जुलाई के आसपास तक ही ये फ़ोन हमें इंडिया पे देखने को मिलेगा। तो ये थे गाइज रियलमी 11 प्रो प्लस से जुड़े काफ़ी सारे डिटेल्स। तो आई होप गाइज आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आओ तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मिलते हैं गाइज हम लोग अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।